हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सबसे पहले आपको फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना है। ओके, यहाँ पर मैंने फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे नोटिफिकेशन बार दिख रहा है, उसके बाजू में थ्री लाइन है, उस पर क्लिक करना है। ओके, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सेटिंग्स। ओके, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अकाउंट सेटिंग्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे है सिक्योरिटी, उसके बाद है प्राइवेसी, एंड यहाँ पे फोर्थ नंबर योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वो हमारा ऑप्शन है फोर्थ नंबर योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में दिखाई दे रहा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे हमको अकाउंट डिलीट करना है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है डीएक्टिवेट और डिलीट का, तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, पर हमको डिलीट करना है ना कि डीएक्टिवेट। ओके, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट अकाउंट। ओके, फिर क्या, उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे रीज़न पूछेगा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे या जो आपकी गेमिंग के एप्लीकेशन है जो इस फेसबुक से कनेक्ट हो गए वो दिखाई देंगे। ओके, आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना है, डिलीट अकाउंट। जैसे ही आप डिलीट पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ सिंपल से आपको पासवर्ड डाल देना है। हेलो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ सिंपल सा कंटिन्यू कर लेना है। ओके, फिर एक बार जब आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट का कंफर्म के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस चालू है। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। ओके, यहाँ पे फेसबुक अकाउंट डिलीट के लिए चला गया है, और इधर आपको लिखा है योर अकाउंट शेड्यूल फॉर परमानेंट डिलीट। ओके, अगर आपको यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पे लिखा है फेसबुक इफ़ यू लॉग इन टू फेसबुक विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। ओके, अगर 30 दिन के अंदर आप अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेते हो तो वो आपको डिलीट कैंसिल हो जाएगा। ओके, वो आपका फेसबुक अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा।